नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। लगातार पांचवीं हार से बचने के लिए कोलकाता उतार सकती है बेहद ही खतरनाक प्लेइंग 11। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के 41वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होने जा रहा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोनों टीमें इस सीजन दूसरी बार आमने सामने होंगी। पिछले मुकाबले में दिल्ली ने 44 रन की बड़ी जीत हासिल की थी। आज के मुकाबले में टीम का इरादा इस हार का बदला चुकता करने के साथ जीत की पटरी पर लौट का होगा। कोलकाता की टीम लगातार 4 मैच हार चुकी है। दिल्ली 7 मैचों में 3 जीत से अंक तालिका में 7वें स्थान पर है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर ने अपने पिछले 4 मुकाबले गंवा दिए हैं और वो 8वें स्थान पर है। कोलकाता की टीम इस सीजन में ओपनिंग जोड़ी को लेकर लगातार प्रयोग करती नजर आई है। अजिंक्य रहाणे, एरन फिंच, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण और सैम बिलिंग्स को टीम ने आजमाया है। बेहतर शुरुआत के लिए कोलकाता को एक स्थायी जोड़ी के साथ उतरना होगा। कप्तान सुरेश अय्यर मिडल ऑर्डर में बेहतर खेल दिखा रहे हैं, लेकिन उनको साथी खिलाड़ी नीतीश राणा, रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इन खिलाड़ियों को जिम्मेदारी उठानी होगी। आंद्रे रसल निचले क्रम में अपना स्वाभाविक खेल दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी उनको दूसरे छोर पर साथ चाहिए होगा। टीम के लिए उमेश यादव ने लगातार अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन इसके अलावा दूसरे छोर से वैसा साथ नहीं मिल पाया है। शुरुआती ओवर और आखिर के ओवर में टीम को जीत हासिल करने के लिए बेहतर गेंदबाजी करनी होगी। पैट कमिंस, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती पर काफी कुछ निर्भर करेगा। बात करें अगर कि आज कोलकाता की क्या प्लेइंग 11 रहेगी, तो आज आपको वेंकटेश अय्यर, इसके अलावा सैम बिलिंग्स या फिर एरन फिंच में से कोई एक देखने को मिलेगा। सुरेश अय्यर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। नीतीश राणा, इसके अलावा रिंकू सिंह और सेल्डन जैक्सन में से कोई एक नजर आएगा। आंद्रे रसल, सुनील नारायण, शिवम माबी, उमेश यादव, टीम सऊदी या फिर पैट कमिंस में से कोई एक खेलेगा, साथ ही वरुण चक्रवर्ती। ये रहने वाली है कोलकाता की आज प्लेइंग 11। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।